इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा शहर से आ रही है। जी हां, दरभंगा शहर में शुभंकरपुर टीओपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दो बच्चे की मां ने पसरी लगाकर आत्महत्या कर ली। जी हां, बीते दिन पूर्व में भी इसी थाना अंतर्गत विष्णु कुमार नामक 21 वर्षीय युवक ने भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। यह घटना रात तकरीबन 10:30 बजे की है। वहीं एक बार फिर शुभंकरपुर टीओपी थाना अंतर्गत जूली देवी नामक दो बच्चे की मां ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इधर बताया गया है कि सत्यारी टोला निवासी लड्डू पासवान की पत्नी जूली देवी दो बच्चे की मां थी, वहीं उन्होंने आज फसरी लगाकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि आत्महत्या करने का कारण पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस को प्रथम दृष्टि से लग रहा है कि प्रेम प्रसंग में यह आत्महत्या की गई है। शुभंकरपुर थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार ने बताया कि यह महिला 1 साल पूर्व भी एक लड़के के साथ भाग गई थी, फिर महिला खुद 6 महीने के बाद घर लौट आई। घटना हुआ है, कैसे पता चला और कैसे किया था? हमको फोन किया था 9:30 बजे, कहा था कि जल्दी आइए। रात को? अच्छा, इधर हम आए 11 बजे आए तो देखे लटका। ये बताइए, जहाँ लटकने की बात हो रही है उसकी हाइट बहुत कम है, कैसे लटकी हुई थी वो? नीचे ऊपर से लटकी हुई। आपको क्या लग रहा है घटना का कारण क्या लग रहा है? उसको खोले, अब ताले मर गई। इससे पहले किसी तरह का झगड़ा लड़ाई आप लोगों के बीच में, पत्नी के बीच में? घर में झगड़ा लड़ाई होता था। अच्छा, घर में जैसे 1 महीना से झगड़ा। पत्नी कभी इस तरह का धमकी भी दी कि मैं इस तरह से कर लूँगे? आपको किसी पर शक भी है? क्या नाम है आपका? लड्डू कुमार पासवान। कितना साल शादी को हुआ है? पूरा मामला यहाँ जी क्या हुआ है यहाँ? यहाँ देखिए सर, या सुसाइड है या मर्डर है ये तो हम लोग को नहीं पता है, लेकिन आप लोग जांच करें इसका और समाधान निकालें। अभी घटना पूरी हुई क्या? घटना वैसे देखने लायक तो कोई घटना नहीं है जो आपको बताया, हम लोग के पता भी नहीं है। उनके हस्बैंड से कुछ पूछा गया और उनके ससुर जी है उनसे पूछताछ किया गया, तब कुछ पता चलेगा। और थोड़ा गाँव से भी पूछ लीजिए।